भारत की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि अगर केंद्र में सत्ता पे काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश से रास्ता होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसी क्रम में कई सारे मुद्दे ज्वलनशील हो चुके हैं। उन्हीं में से एक मुद्दा है निषाद समुदाय के लिए आरक्षण का मुद्दा, और कई तरीके के संगठन, कई राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को बार बार उठाती रही है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं, जो मत्स्य विभाग के उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हैं और हमेशा से ही इस मामले को उठाते रहे हैं। सर से बातचीत करने से सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया द प्रेम से बातचीत करने के लिए। दोबारा निषाद समुदाय के आरक्षण को लेकर मामला जो है गरमाया हुआ है, बातचीत हो रही है, आपके द्वारा एक सम्मेलन आयोजित करवाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला, क्या जरूरत पड़ी, विस्तार से बताएं। जो आपने शब्द यूज किया कि सत्ता में जाने के लिए उत्तर प्रदेश से जाना पड़ता है, तो उसमें इतिहास में मैं बता दूं कि अगर सत्ता में शासन में आना है तो पहले निषादों को साधना पड़ेगा, निषादों से लड़ना पड़ेगा। अंग्रेज आए, मुगल आए तो निषादों से लड़े, अंग्रेज आए तो निषादों से लड़े, और हमारे लोगों ने लड़कर भी बने हैं। हमारे लोग लड़ते रहे और सबसे लड़ते रहे, और सब जो जो भी इनके लिए हम समस्याओं का समाधान नहीं किया उसे सत्ता से दूर करना पड़ा। लड़ाई बंद आज भारतीय जनता पार्टी मित्रवत व्यवहार करके जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषादराज को गले लगाया था, उसी तरीके से इस युग में निषादराज के बल सबके बेटे डॉक्टर सिंह को भारतीय जनता पार्टी मोदी के लिए विश्वास नड्डा साहब ने गले। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि त्रेता में जिस तरीके से दुख देने वाले राज को खत्म किया। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक खून है, निषाद राज के शरीर में जो ब्लड आया है वो हम लोग की रूलिंग कास्ट का है, हम लोग नीत बनाने वाले खून खानदान के। तो अंग्रेजों और मुगलों ने ऐसी गलत नीतियां बनाई जिससे दुखी दुख हुआ, पिछली सरकारों ने गलत नीति बनाई दुखी दुख। तो हम नीत बनाने के लिए आए हैं, नेतृत्व इसीलिए समाज का करना है कि हमें नीत बनाने वाली जगह पर भेजा जाए। तो नीत बनाने के लिए अब ये सब झंडा चाहिए, नारा चाहिए, नेता चाहिए, पार्टी चाहिए, चुनाव चिन्ह चाहिए, ये सब चाहिए, उसके लिए कार्यकर्ता और सेना चाहिए। ये सारा कुछ नीत बनाने के लिए हमने सिस्टम से तैयार किया, और आपने देखा होगा कि बहुत कम समय में ट्रेंड एक फौज तैयार किया मछुआरों का, और उनको बताया कि आपके पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ा था, आपके पुरखों ने मुगलों से लड़ा था, और मुगलों अंग्रेजों ने इन्हें कानून बना के गाड़ा था 12 अक्टूबर 1871 को, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। और वो कहा था डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, कतली का बेटा कतली होता, ये मछुआरे कतली और बदमाश जातियां हैं और इनको जन्मजात अपराधी घोषित किया। देश को आजाद कराने के लिए वह हमारे पर कलंक लगा कि हम कतली जातियां, ठीक है कतली मार्शल कौम है, देश के लिए है, इस देश को आजाद कराया हूँ और संविधान बनवाया हूँ, और इसका प्रमाण है कि 167 लोगों की फांसी हुई सती चौरा घाट में मेला लगाता, ऐसे तमाम 185 युद्ध हुए जिसमें हमारे लोगों ने नेतृत्व किया। राजमणि निषाद ने नेतृत्व किया, महारानी राजमणि निषाद कलकत्ता में, हमारे बेलासर केवटिल ने लड़ाई लड़ा, दुर्गावती देवी ने लड़ाई लड़ा है, ऐसे उन्होंने तमाम ऐसी महिलाओं ने लड़ाई लड़ा, तमाम निषादों ने लड़ाई लड़ा, फांसी पर चढ़े। फिर इस समय इस युग में अंग्रेजों और मुगलों के समय मध्यकाल में चला है, इस आधुनिक युग में जो हमारी जो आज के दिन में ये संवैधानिक जो युग है जो हमारा इस लोकतंत्र में, इसमें भी लड़ाई लड़ने के लिए आए जमुना निषाद, फूलंदी, महिषिराषाद, जयपाल कश्यप, ये सारे नेता आए लड़ाई लड़ने, उनको मार दिया, उनको खत्म कर दिया, लड़ाई से गायब कर दिया, धरती से उठवा दिया। तो हमने चिंतन किया कि बिना सेना की कोई लड़ाई नहीं, अगर मेरे लोगों ने सुनियोजित सेना बनाई और अंग्रेजों और मुगलों को भगाए तो अब बंदूक में नहीं बटन में ताकत है, एक सुनियोजित सेना बनाओ और जिसके वजह से योजनाबद्ध तरीके से आओ, अपने वोट को इकट्ठा करो, और जिनके सुखों के लिए हमारे लोगों ने लड़ाई ली थी वो भी दुखी है, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहां दिवत, एकबार बाथम सुरैया के साथ राजभर और तेली बढ़े लोहार, कहां पान गरीबी, और हर जातियों में गांव में गरीब है। अंग्रेजों मुगलों ने तो गरीब रखा ही, पिछली सरकारों ने भी गरीब रखा, यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था। तो ऐसे में हमने उस सेना के माध्यम से इनको राजनीतिक ज्ञान दिया, और उसका नतीजा हुआ कि हम सत्ता में आए।
एक सीट आए 2017 में, अभी 11 सीट आए। सड़क पर जो हम वकील थे अब हम सदन के वकील, हमारे समाज ने हमें अगर हमें वकील बनाया तो हम तो अभी सदन के वकील हुए उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद में मैं 403 विधानसभाओं का एक नेतृत्व करता हूँ, मैं मनोनीत सब, और मिस डबल इंडियन सोर्सेज हमारा आमदल के कोटे का मैं एमएलसी, तमाम उल्टा पुल्टा बड़े बड़े नेता निषाद बोलते हैं, डॉक्टर साहब एमएलसी बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन किसके एमएलसी हैं? निषाद पार्टी के एमएलसी। पिछली सरकारें जो मेरे समाज को गुमराह करती हैं, फाइल गायब करती हैं आरक्षण की, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है कांग्रेस के दो मंत्रियों के खिलाफ, बसपा स्टे लेती रही, समाजवादी पार्टी गुमराह करती रही, शामिल करेंगे, हम ऑलरेडी शामिल हैं, सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी 10 साल कांग्रेस की, उस समय हमारी फाइल गायब कराना, बहस होता था, विरोध करना, ये जो बहुरूपीय है जो मेरे समाज को बहकाते आरक्षण के नाम पर, सही दिशा तो मैंने दी। आरक्षण का किताब लिखा, भारत का श्रीमान कौन लिखा, आरक्षण के सबसे पहले हकदार ये लोग हैं। मैं अगर आरक्षण की आवाज उठाया तो हमारी गिनती 1961 में जो है 70 लाख थी, अब 7,000 कर दिया 2011 में, क्यों हमें मारते हो भाई? हमारी गिनती जगरमैन की गिनती होती, वासरमैन की गिनती होती, फिशरमैन की गिनती क्यों नहीं होगी? अब राष्ट्रपति ने लिख के भेजा है। मैं कह रहा था कि तब उनके समय आरक्षण के लिए जा रहा था तो गोली खा रहा था, डंडे खा रहा था, फर्जी मुकदमे हो रहे थे, 302 का फर्जी मुकदमा बनाया जाता, लेकिन आज सहृदय हमारे आरक्षण के मुद्दे पर सहृदय मोदी जी चिंतन करते हैं। पहले हमें शिक्षा चाहिए, पहले हमें शिक्षा चाहिए, ज्ञान, और शिक्षा में भी आरक्षण चाहिए, तो शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए रोजगार चाहिए, तो हम पहले उनको रोजगार दे रहे हैं, फिर शिक्षा के लिए कोचिंग के लिए फीस उतार रहे हैं, उनके लिए फीस देने के लिए, कोचिंग देने के लिए मेरे पास पैसा है, उनके पास मकान नहीं, पहले घर में रहने के लिए व्यवस्था, घर में रहेगा ताला बंद करेगा तभी तो स्कूल जाएगा, नहीं तो उसके माँ बाप कमाने गए हैं, बच्चा और खाना घर पे रखा, उसके बाद झोपड़ी में बैठा हुआ है और ताला नहीं है, पढ़ने कैसे जाएगा? बाप तो कहता है बेटा जिंदा रखाना। 2015 से ये बातचीत चल रही है, कसरवल का आंदोलन भी हमने देखा, जेल भी गए, कई लोग जेल गए, लेकिन अभी तक ये मुद्दा क्यों नहीं अमली जहां पहनाया जा चुका है? 57 से भी नहीं है, हम 2015 की बात क्यों करते हैं? कहीं पीछे भूल जाती है, ये बेमान लोगों का नाम क्यों नहीं लेती है? हम कह रहे हैं 1857 की बात करिए, 57 से चले क्यों? मैं कह रहा हूँ देश इसलिए नहीं हो पाया कि देश आजाद हो 1947 में, अंथा सेमिन एंजाय कमेटी 1950 बना, क्रिमिनल कमेटी, उसने रिपोर्ट दिया कि निषादों की दशा SC ST से खराब है, ये तो घर छोड़ कर भाग गए क्रिमिनल कास्ट होने से, उनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी है। इस आयोग के रिपोर्ट को, इस कमीशन के रिपोर्ट को कांग्रेस ने तंगे रास्ते में डाल दिया, खबर खाने में डाल दिया, ये पता तब चले ना, क्यों नहीं पता चला? क्योंकि देश आजाद होगा 1947, संविधान 1950 बन गया, उसमें सूचीबद्ध हो गए, लेकिन वो क्रिमिनल कास्ट नहीं हटा, इन बेमानों ने जो लोगों ने हमारे लोग जेल में बंद थे, तो पहला चुनाव हमारे लोगों को जेल में बंद करके कराया गया, तो हमारा पहला चुनाव तो ऐसे खत्म हो गया, बाद में हमारे सदन में नहीं गए, और नतीजा क्या होगा कि जो अंग्रेजों और मुगलों की सेवादार जातियां थी वो पहुंच गए और वो सत्ता में भी आ गए, व्यवस्था में भी आ गए, शासन प्रशासन में आ गए, और ये हमारे लोग उसमें दूर रहे। तो जब हम 31 अगस्त 1952 को पहली बार क्रिमिनल कास्ट हटा तो हमारा 5 साल 16 दिन गुलाम थे, ये 5 साल 16 दिन तो एक साल बहुत, 5-1 सप्ताह बहुत बड़ी होती किसी को बर्बाद करने के लिए ना, तो हमारे लोगों के लिए एक पैदा हो गए कि पहले जैसे ट्रेन पर कोई बैठा तो पहले चढ़ जाए तो बाद वाले कहता जगह नहीं है, वैसे ही लेदर मैन और वाशर मैन को मिल गया और वो कहते हैं फिशर मैन तुम्हारी जगह नहीं है, और हमारा बाप जो है धोखे से OBC में डाल दिया हमारे पुकारू नामों को, लिखने पढ़ने वाले वही थे, 23% आरक्षण हो गया तो 23% में अनुसूचित जात के तमाम अधिकारी आ गए, ISPCS आ गए, जिन केंद्र तक आ गए, वो लेदरमैन के लोग भर्ती हो गए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहती है ना कि अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा लेदरमैन है, तो जब लेदरमैन 100 गुना ज्यादा नौकरी में है तो हमारी कलम में तो हमारे लिए रुकावट पैदा करेगा, तो धीरे से हमारी उपजातियों को OBC में डाल दिया। अब राष्ट्रपति देखिए, जब राष्ट्रपति ने लिख दिया केवट मल्ला मझवार है तो बिना संविधान में संशोधन किए राष्ट्रपति से बड़ा कुछ होता नहीं, राष्ट्रपति गिनती कराता है, तो बिना संविधान में संशोधन हुए फिर हमारा नाम OBC में कैसे पड़ गया? और कौन से आयोग ने रिपोर्ट दे दिया कि केवट मल्ला
मझवार में ही अनुसूचित में नहीं है और ये ओबीसी के कैटेगरी में आता है, ऐसे जबरदस्ती हमारा नाम जबरदस्ती पड़ गया। तो लटकू राम लगाकर हमारे लोगों को, एक तो नेता जो बोलता था मरवा दे, हमारे लोगों को शिक्षा से दूर हो, अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, और लेदरमैन, वाशरमैन, फिर और मिल्कमैन पहुंच गए, और नतीजा क्या हुआ कि गद्दी उनको मिल गई, वो लोग मिल्कमैन को हमारा एक वोट बैंक मिल गया, तुम्हें शामिल करेंगे नाका दिया। ये कभी नहीं बताया कि तुम शामिल हो, गलत न्यूज पड़ गई कि शामिल करेंगे। तो 70 साल मेरे लिए, वो हमारे लिए एक तरीके से नासूर बन गया। 70 साल में जो प्रचार किया, 30 साल से हाथी साइकिल ने प्रचार किया, शामिल करेंगे, हम ऑलरेडी शामिल है, लेदरमैन जैसे शामिल है, वाशरमैन शामिल है, फिशरमैन भी शामिल है, और उसके लिए वो किताब लाओ भाई। तो मैं इसीलिए कह रहा था आज के दिन में कि ये विसंगति दूर करने के लिए हम सप्ताह में। जी सर, आप 2000 आपने इतिहास बताया, 70 सालों में जो जो चीजें हुई रहे, आप सत्ता में काबिज हैं, 11 आपके MLA हैं, आपके बेटे जो हैं वो MP हैं इस समय, तो अब जो है सम्मेलन आप कर रहे हैं 31 अगस्त को एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है आपके द्वारा, विभूति जनजाति सम्मेलन जो है, इसको करने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आप तो आप हर साल करते हैं, लेकिन अभी तो आप नहीं, शक्ति तो हमेशा शक्ति की पूजा होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम नौकरी पा गए तो मंदिर में नहीं जाएंगे, ऐसा कहीं लिखा क्या कि शादी विवाह हो गया, नौकरी हो गया, मंदिर में नहीं जाना, शक्ति की पूजा हमेशा होती है। तो ये हमारा जनशक्ति है, इसकी जनशक्ति को हमेशा रखना ना, ट्रेनिंग तो हमेशा देना ना, सेना हमेशा लाना ना, सेना को ट्रेनिंग देना, सेना को हमेशा भर्ती, इनको हमेशा अपडेट जानकारी देना ना, और नई पीढ़ी जो आती है वो आखिर 18 साल के बाद आती है, तो उसको हम हर साल नहीं लाएंगे तो नई पीढ़ी कैसे जानेगी, यही तो नहीं जाना, इसलिए तो 70 साल लग गया, वही तो जाना रहे किताब लिखकर हम। तो जो विमुक्ति जनजाति है वो जाने की 193 जातियां पाइपलाइन में है, रोड पर है, सड़कों पर है, इन्होंने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा है, राणा प्रताप के साथ तुर्कों से लड़ा है, ऐसे सारे लोग उपेक्षित हैं, और पिछली सरकारों ने गलत नीतियां बनाई उसके वजह से हुए। और जो आप कह रहे थे कि इतना साल क्यों लग गया, 2015 से सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो मंत्री नहीं कम संतरी पहले, तो संतरी का काम होता सुरक्षा देना, सुरक्षा कैसे, सुरक्षा के लिए कानून बनाना, तो सुरक्षा कैसे मिलेगी जब ज्ञान रहेगा, अब ज्ञान तब रहेगा जब उसके पास खाने को वह पैसा रहेगा, मैं तो रोड पर घूमेगा था मेरा भैया, अंग्रेजों ने जमीन छीन लिया, मुगलों ने छीन लिया, और 2009 में बहन जी आई और बहन जी ने भी छीन लिया, इनकी 3 बर 5 बर 6 की जमीन जो थी उनके नाम रोजी रोटी कमाते खाते थे, जब सब छीने ही रहे तो उनको कुछ देना पड़ेगा ना, तो देने के लिए मैंने पॉलिसी बनाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 26,000 करोड़ पहली बार देश के इंसान होती मछुआरों को, उसमें दूसरी जातियां भी आएंगी, आ ही गई है, लेकिन आज 15,000 लोगों को हमने सिलेक्ट किया तो 14,500 उसमें निशान है, तो हमें गर्व है ना, सिर्फ 14,500 लोगों को रोजी दे रहे, उनके बच्चों को पढ़वाएंगे, उनके लिए अलग से पैसा लाया कोच मछुआ कल्याण कोष के स्थान पर लाएंगे, उनके लिए कम्युनिटी मकान रहेगा तो घर में सुरक्षित रहेगा, टाइम से अपनी किताब कापी रखेगा, खाना रखेगा, ताला बंद करके बच्चा पढ़ने जाएगा, अब बाप और उसके माँ कमाने चले जाएंगे, अभी हैंड टू माउथ है तो जाएगा ना, वैसे क्या है माँ बाप पढ़ेंगे चले गए कमाने, ब्रिटिश कहते भाई झोपड़ी में देखना कुत्ता न घुस जाए बिल्ली न घुस जाए, तो इसके लिए जब कांशीराम आवास योजना दे दी तब आज दलितों में पढ़े लिखे जा दिया गया, अम्बेडकर ने उनके लिए स्पेशल बजट लाया अनुसूचित जाता है मैं तो जाके आए, तो मैं भी बजट लाया हूँ पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए पैसा दूंगा, स्पेशल दूंगा, उनके लिए फीस दूंगा, इनके कपड़े दूंगा, इनका इलाज के लिए बेचारे को पैसा नहीं था, या तो अपने बच्चे को तड़फते देखे और या तो अपना जेवर भी घर में, तो घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, तो जो भी जेवर और कहीं दान मिला था वो बेचे, तो इसमें आज कहाँ जाए आपका साल, तो 5 लाख के इलाज की व्यवस्था कराया, तो ये सब व्यवस्था हो गया, आप उसके भी जब एक बुनियादी हो जाए तो आरक्षण भी मिल जाएगा। अब देखो दलितों में जो आरक्षण है उसमें देखो 90% नहीं 99% जो IAS होने के बेटे को IAS रिजर्वेशन, पढ़े लिखे लोग जो है मजबूत लोग हैं वही आरक्षण कर, अभी रिक्शा वाले बेटा का आरक्षण ही नहीं मिला, तो मैं चाहता हूँ कि पहले से पहले रिक्शे वाले बेटे के पढ़ने की व्यवस्था करा दूँ, तो फिर वो आरक्षण की लड़ाई दोनों लड़ाई साथ चल रही है कि ये पढ़ा लिखा भी हो जाए इधर आरक्षण दिया जाए, तो निचले पावदान पे आने वाले व्यक्ति को आरक्षण की सुविधा मिले। कल आप JP नड्डा जी से मिले थे, उनसे आपने वार्तालाप किया, क्या आरक्षण के मुद्दे पे बातचीत हुई लोकसभा के बारे में? मैंने उनसे बताया कि उन्होंने उनको धन्यवाद दिया
इस बात का धन्यवाद दिया कि मेरे जैसे आदमी को वकालत करने का अवसर आप दे रहे हो। मोदी के यहाँ से मिसाक था, वो जब 39 पार्टियां थी उसके बीच में बैठ कर हमने अपनी आवाज दी और उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने आपको क्या धन्यवाद भी दिया, आया कि नहीं आपकी आवाज सही थी, आपके सुझाव सही थे, उस पर काम आने तो उन्होंने जितने बिंदु थे उनसे बातचीत की, आरक्षण के निश्चित रूप से बात हुई और उनसे बताया कि आप ही की सरकार उत्तराखंड में है जो वहाँ आरक्षण दे रखी है, सिर्फ चार जाति ही जातियों का समूह है और आपने एक सूची बना दी उसमें कुमार प्रजापति समता सब छुटकारा मिला और लिखा कि अलग से मैं कोई जाति नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये सब उपजाति हैं शिल्पकार की। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में आ गया कि मझवार जाति ने जातियों का समूह है और केवट मल्ला उसमें है, हम अलग से कोई जाति नहीं दे रहे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो उनको हमने दिया उदाहरण, उस पर कहा कि आगे चर्चा होगी गृह मंत्री के साथ, बाकी जो सामाजिक मुद्दे हमारे लोग हैं कार्यकर्ताओं के समय करते हैं दूसरा हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं छत्तीसगढ़ झारखंड और मैंने बताया पूरे देश में महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ये सारा बिहार वगैरह सब जहाँ भी हमारे अब पूरे देश में आपने हमें राष्ट्रीय नेतृत्व करने का अवसर दिया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपने मत्स्य मंत्रालय किया 26,000 करोड़ रुपया 6 साल में, पिछली सरकार 67 साल में 3,000 करोड़। मैंने उनको बताया कि वी रामचंद्र राव थे हमारे एक नेता थे बहुत पहले देश के नेता बुलाया था, एक वो नेता थे जो प्रधानमंत्री से वकालत करते थे और आज वर्षों बाद एक ऐसा नेता आपने दिया कि हम वकालत करते हैं और हमारे मुद्दे को उन्होंने अनदेखी की और आपने चिंतन किया और काम कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद दिया। लोकसभा चुनाव आने वाले, लोकसभा चुनाव के बारे में भी बातचीत हुई कुछ, कितनी भागीदारी? 80 की 80 सीट हमने कहा कि 80 पर निशान है, 37 पर 3.5 लाख से ज्यादा है और हर जगह 2.5 लाख 1 लाख हो रहे हैं, हम 80 की 80 सीट जीते। हम धन्यवाद दिए उनको कि आपने 15 सीट हमें दिया और आपने प्रचार किया मोदी जी ने कि भोजन बनी थाली कमल कमली भोजन बनी थाली, तो हम लोग अलग नहीं मिल के लड़ेंगे और मिल करके जीतेंगे और 300 पार फिर मोदी सरकार। लेकिन गठबंधन में आप हैं अभी हाल फिलहाल में, एक आपके बयान ने थोड़ी सी खलबली भी मचाई कि जनता तय करेगी कि गठबंधन होगा या नहीं। जनता ये तय करेगी कि हमें आरक्षण पर मैंने कितना काम किया है, मेरे साथ रहेंगे या विभीषण और आस्तीन के सांपों के साथ रहेंगे, गद्दारों के साथ रहेंगे, मैंने कहा था ये विभीषण और गद्दारों की बात किया। हाँ, मैंने कहा था ना कि जनता के लिए मैंने जाऊंगा, जन जागरण अभियान के माध्यम से बताऊंगा कि 9 साल निषाद पार्टी को बेमिसाल कि हमने यहाँ पर्यटक स्थल घोषित कराया, मूर्ति लगवाया, निषाद राज के किले को बहुत बड़ा बनाया और उसको आज के दिन में वहाँ जो है पर्यटक स्थल दूसरी जगह से मिलता। आज आरक्षण के मुद्दे पर पहली बार 70 साल से योगी जी ने लिखा पत्र, तारीख को मैंने लिखा 20 दिसंबर 2021 को योगी जी ने लिखा कि भाई ये संवैधानिक बात कहता कि संसद मन ये सूची है संविधान की इसमें सूचीबद्ध है कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति है, इसमें लेदर मैन वाशर मैन फिशर मैन क्राफ्ट मैन सब लिखा हुआ है, सूची है भारत सरकार की, ये जातियों का समूह है और इसके जातियों को गिनने के लिए भारत सरकार ने एक सेंसस मैनुअल रखा है और सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर ये भारत सरकार ने गिनती कराई थी और एक सूची एक मैनुअल भेजा लिख के ये अनुसूचित जाति की सूची है और सूची है ये ग्रुप ऑफ कास्ट है, इस जातियों के समूह की सूची है और उनके सब कास्ट यहाँ हैं, तो इसमें जो है 23 नंबर पर जाटो है लेदरमैन है तो इनकी सारी उपजातियों को इसके आधार पर मिलता है, इसमें वाशरमैन है इनकी जातियों को मिलता है, इसमें देखिए फिशरमैन है 51 नंबर को मझवार या केवट मल्ला है तो हमें काहे नहीं मिलेगा, ये कोई टाइटल लगाएंगे तो मिलेगा, हम अगर केवट मल्ला टाइटल लगा देंगे तो नहीं मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्हें पत्र पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज सदन में उठाते रहे, भाजपा हमारे इस बिरादरी के विकास के लिए उनके एजेंडे में मछुआ है, मछुआ समुदाय हमसे पहले आवाज उठाते रहे, आज उनका एजेंडा रहा मेरा मुद्दा हो समझ। तो मैंने कहा कि ये है और इसमें दिखा हुआ पॉइंट इसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर की किस जिले से पैदा हुए और पूरे प्रदेश में फैले, मझवार पूरे प्रदेश में फैले हैं, ये जमाने के अर्जुन कल्याण विभाग ने लिखा भी है आज के दिन में जिसमें लिखा है कि ऑक्यूपेशन में कि ऑक्यूपेशन क्या होगा, ऑक्यूपेशन में फिशरमैन रहेगा तो मिलेगा। तो जब हम कह रहे हैं कि इसके आधार पर मिला तो पहली बार 70 साल में RBI ने एक्सेप्ट किया, भारत सरकार ने उस पत्र को जारी करवाया कि केवट मल्ला मझवार हैं अनुसूचित जाति के अधिकार हैं, इनकी गिनती हुई थी उन्हें एक्सेप्ट की,
बट इसका मामला नोएडा में ला देंगे। तो मेरे पास तो अब तक कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं था ना, एक कागज तो गायब करा दिया था, एक फाइल पिछली सरकार ने मुकदमा रखा था, तो फाइल नहीं थी तो हमें फाइल खुलवा के निकलवाना पड़ेगा ना। तो 70 साल की उलझे हुए मामले को सुलझाने में समय लगेगा और निश्चित रूप धारा 370 जैसे खत्म हुआ होगा। 9 साल 20 साल है, हमारे 111 वकील हैं सदन में, वकील हैं प्रवीण जी, वहाँ उन्होंने वकालत की और सामाजिक न्याय मंत्री ने जवाब दिया कि मजवार हमारे 1950 से अनुसूचित जाति की सूची में, इसकी सभी कम्युनिटी के सभी मेम्बरों को सभी सुविधाएं अनुमति मिलेंगी। जो वो सिस्टम चल रहा है समय आने दीजिए, हम 70 साल तो बेईमानों का दिया, जो हमारा आरक्षण खा रहे, जो हमारी फाइल गायब कराते रहे, जो हमारा विरोध करते रहे, उल्टा करते रहे, ताल घाट नदी छीनते रहे, हमारे नेताओं को मरवाते रहे, जो भी उनकी आवाज उठाती थी उसे धरती से उठाते रहे। अगर 70 साल हमने उन्हें दिया है, जो डंडे बजाते रहे, जेल लेते रहे, तो आज हम तो 1 साल से मंत्री हैं, 2019 से इनके साथ हैं और जब से मैं आया हूँ तब से काम हो रहा, बजट मिल रहा है, नीत बन रही है, मछुआ कल्याण मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजभोट योजना, आज निषाद से केवटा मल्लावा से निषाद जी हो गए, आज के दिन में इतिहास समारोह तो मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा और रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो रही। तो मेरा समुदाय पूर्ण रूप से मेरा समुदाय आरक्षण के मुद्दे पर और राजनीतिक भागीदार मुद्दे पर मेरी जिंदगी कहते मेरे शरीर का एक कण, कण में खून का भी एक कण आएगा, शरीर बहुत बड़ी चीज, खून तो कहीं से लिया दिया जा सकता, शरीर में नहीं, निषाद राज का ये खून है, शरीर है, तो इसकी शरीर की निषाद राज का जो शरीर है एक एक कण और जिंदगी के एक एक क्षण मछुआ समुदाय को फिर से मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान संवैधानिक सुरक्षा दिलाने के लिए तत्पर है जिंदा रहेगा। और इसीलिए मैंने तुमसे पत्र लिखा, किसी को नहीं लिखा था, मैंने अपने कार्यकर्ताओं अपने जनता से अपील की है कि बेईमानों को भगाओ, इन आस्तीन के आस्तीन का सांप जानते क्या होता है कि विरोधी जो होते जैसे आस्तीन है ना, इसके नीचे बांह होती है, तो दहिना बायां लेफ्ट राइट जो बांह बन के खड़े रहते हैं कि हम ही असली बेटे हैं और वही आपकी पीठ में छुरा घूमते हैं, ये आस्तीन का सांप होता है और उसी को आपने जिक्र किया, भूषण भी कहा, लोगों ने जान जाते ही नहीं, अच्छा उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और बाद में वो जो विरोधी से भेजा हुआ आदमी आता है उसके उसका रिमोट वहां से चलता है और फिर वो दसने लगता है समाज, ये भीषण भी कहा। वही लोग है जो अब ये कह रहे हैं कि अब जो है निषाद समुदाय के जो मसीहा है, जो अपने आप को मसीहा बोलते हैं, वो अब नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे समुदाय का, ऐसी भी बातचीत हुई और दो दिन पहले अपने उसी जिस खानदान में जन्म लिया उसी को बर्बाद करता है। जब मोदी जी के पास पहुंच गया तो विभीषण क्या कह रहा है आज के दिन मालूम, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो आरक्षण नहीं तो वोट कहाँ जाएगा, हाथी साइकिल पर जम जाएगा। वो चाहते हैं कि मोदी जी नाराज हो, वो विभीषण कहते हैं जहाँ रहे और उसका उल्टा काम करे, भाजपा में रहे और भाजपा के विरोध में उठ डलवाए, लेकिन वो 24 जुलाई को एक महाकुंभ कर सब कुछ करें जी सब। मैं कहता हूँ जो जय भीम बोलने वाला, जय समाजवाद बोलने वाला, जय निषाद राज बोलने लगे तो बहुत अच्छी बात, उसका स्वागत करते हैं हम। देखिए उनका काम अलग है, मैं वकील हूँ और हमें वकील नियुक्त किया प्रधानमंत्री, उनको अवसर था कभी वकालत की उन्हें बताइए, जब वकालत पढ़े ही नहीं तो वकालत करेंगे कहाँ से, हमने वकालत पढ़ी है और हम अपने पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जनता भी वकालत कर रही है, हमारा समाज वकालत कर रहा है। हम लोग आपस में लड़ने वाले नहीं है, हमको कुत्ता काट ले तो हम कुत्ते को नहीं काटने वाले, बात समझ गए, हम लोग एक स्पेशल व्यक्ति हैं, हम लोग अपने समाज के लोगों को विरोध को विरोधी को भी सहृदय लगाने वाले हैं। विनोद बिंदु जी सपा में थे 10 साल, लेकिन समय अवसर आया तो बिंदु जी को मैंने बुलाया और चुनाव लड़ाकर विधानसभा में लाया, जब आप आओ सब उनको समझ में आ गया, वैसे ही इनको भी समझ में आ जाएगा, आज नहीं कल आ जाएंगे, लेकिन कुछ आस्तीन के जो सांप हैं वो समाज के लिए बहुत घातक है, इसलिए समाज को बताना बहुत जरूरी है। ये कार्यकर्ताओं की फौज मेरे पास है, हमने कार्यकारिणी भंग की थी, उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी जो है भंग की थी बना दिया, अब जिले की कार्यकारिणी बनी, तो उस लोग हम ट्रेन हम हैं, डॉक्टर हम हैं, हम पहचान सकते हैं कौन इसमें बड़ा डॉक्टर है जो समाज के डॉक्टर, इसलिए उसमें हमने कई जिले की कार्यकारिणी आरम्भ करने गया था और कल गोरखपुर की कार्यकारिणी का, तो उनको लगा कि नहीं अगर ये सेना फिर से भर्ती हो गई स्टार्ट हो गई तो फिर हम लोगों की दशा क्या होगी, तो इसलिए वो आदमी जो है ना कहीं रिमोट दूसरे जगह से है। अच्छा भाई उनको रुपया कहाँ से मिल रहा, बस का भाड़ा दे रहे हैं,
ग्यारह मेट्रो गाड़ी कहाँ है रिमोट कंट्रोल। अब तू समझ, जिसके पास पैसा लूट के रखे 70 साल से वही दे सकते रुपया। आखिर रुपया कहाँ से आ रहा है, भाड़ा कहाँ से आ रहा है, बस कहाँ से आ रहा है, जीप कहाँ से आ रहा है, बताइए। हम तो आज के दिन में हम तो भाड़े वाला पहलवान तो नहीं रखे, हम तो अखाड़े वाला पहलवान है। हम तो ऐसे पूछते हैं भाई, भाड़े वाले हो अखाड़े वाले हो, आए पैसा लेके आए हो, पैसा खर्च करते हैं। कहते भाई लाखों लोग कहते हैं पैसा खर्च करते हैं, मैं कभी नहीं, मैं भाड़ा देता हूँ, मैंने कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो हमारे लोग हैं। तो आज के दिन में हमारे पास आते भी हैं तो विधायक हैं तो अपना देते हैं बस, और लोग बनते हैं। लेकिन आज के दिन में अगर इस समाज को बिकाऊ और पियाऊ का लेवी लगा था तो फिर वही 10 साल लेवी लगाना जो चाहता है उसी को कहते हैं मिश्रों का दार कहते हैं कि फिर से समाज का लेवी जो हटा वही लग जाए, तो इसको खत्म करना है। लेकिन सर जो महाकुंभ होने वाला है मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में पूर्व है ना, वर्तमान तो नहीं है ना। जब पूर्व में थे तो तब नहीं याद आया कुछ, वर्तमान तो नहीं। हमारे कैडर का कोई लीडर हो वो उससे बहस कराइए और उनकी बात करिए, जो जो सब जिसको अस्वीकार कर दिया समाज ने, समाज ने हरा दिया और सरकार ने उनको अवसर दिया था फिर उन्होंने कुछ किया नहीं समाज के लिए, फिर सब सब सरकार ने हटा दिया। तो जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया हो, जिसको हमारी सरकार ने खारिज कर दिया हो, तो उसकी बात क्या करना। आज के दिन में स्वीकार था उसकी है जो जनता के लिए काम करता, स्वीकार था जो शासन सत्ता। एक आखिरी सवाल आपसे सर, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, बड़ा चुनाव होता है हर 5 साल के अंतर में, कितनी क्या कुछ सीटें दिमाग में, क्या कोई लक्ष्य है दिमाग में? हमारा एक ही लक्ष्य है कि मतलब समुदाय चाहे वकील लोकसभा में है, प्रजा वकालत करें और जो देश को आजाद कराने वाले जाती है 193 जाती है उनको फिर से सम्मान मिले, मेरा एक ही लक्ष्य है। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और ना सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पर बल्कि सभी जो 100 से ज्यादा जनजातियां हैं उनको सम्मान दिलाने के ऊपर अग्रसर हो रही हैं।